अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है उम्मीद है आप सब खैर करियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं हाँ जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है इलेक्शन और हम जी आए हुए हैं यहाँ पे अपने गांव अबाई गांव आए हुए हैं यहाँ पे हम आए हैं जी वोट देने और व्यूअर्स आप आप लोगों को ये तो पता होगा कि आज कल जो मतलब इलेक्शन सीज़न था जैसे कि तो सब लोग जो है ना किस के वोटर हैं ये तो आप सब लोगों को पता है वैसे तो वोट कहते हैं दिल का होता है और बाद इलाकों में जो होता है ना वोट वो शख्सियत का वोट होता है क्योंकि वहाँ के जो होते हैं ना लीडर तो लोग ना वहाँ पे बस शख्सियत का वोट ही देते हैं कि इसको नहीं देना और इसको देना और वैसे जो ज़्यादातर यूथ है हमारे यहाँ हमारे इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो यूथ है ना वो तो सिर्फ़ एक ही बंदे को वोट देगी इमरान खान को और वोट है पी का इसके अलावा जी वोट किसी का नहीं है तो मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने किस वोट दिया है किस नहीं दिया क्योंकि मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल पक्की सपोर्टर हूँ पी की और हम लोगों ने वार्ड भी दिया है पी को और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो तादाद थी ना लोगों की तो उसमें ज़्यादातर जो वोटर थे पीटीआई के थे क्योंकि आज कल जो घर के बड़े होते हैं मतलब वालदेन होते हैं वो दूसरी पार्टी के साथ होते हैं बिल्कुल पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते और जो उनके बच्चे होते हैं वो सारी की सारी पूरी फैमिली जो है ना पीटीआई की होती है तो व्यूअर्स यहाँ पे जी वॉट हो रहे हो रहे हैं सॉरी तो जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं ना और जहाँ पे वो जो जैसा कि क्या होते हैं मुझे अब नाम भूल गया चले जो भी होते हैं सबसे ज़्यादा जो थी ना कम्पेन भी पी की थी वैसे पीटीआई पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई है इन लोगों ने कम्पेन नहीं करने दी उन लोगों को जल से नहीं करने दिए फिर भी जो है ना अब तो जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा तो फाइनली फाइनली जो है ना रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं बल्कि आ गए हैं है। ये एक अजीब इलेक्शन है कि दो दिन बाद भी अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं तो व्यूअर्स आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि साइड पर जो लोग हैं हर किसी की बाइक पे रिक्शों पर गाड़ियों पर पी के फ्लैग हैं तो हर कोई पी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और यहाँ पे देखें जी मैंने फाइनली फाइनली अपना वोट कास्ट कर लिया है और ये देखें जी तो वोट मेरा किसका था वोट मेरा था पीटीआई का और पीटीआई पे हमारी तरफ जो था थानाउल खान मस्ती खेल था जो कि एमएनए की सीट पे था और अल्लाह के फजल व करम से वो जीत गए और बड़ी ही अच्छी लीडों के साथ वो जीता है उसको काफ़ी ज़्यादा वोट था तो मैंने कहा था कि आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपना वोट किसको दिया है तो ये देखें जी लेटर बॉक्स पे फाइनली फाइनली मैंने मोहर लगा दी है हाँ जी तो व्यूवर्स यहाँ पे वॉट वगैरह दे के हम लोग वापस अपने घर बखर आ गए थे और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा थक गए थे सारा दिन की थकावट थी तो मैंने ये सोचा था कि ओवन में चाय बना लेती हूँ और व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जैसे ही ओवन में चाय रखी है कप में मैं यहीं पे बना लेती हूँ तो जैसे रखिए पहले तो मैंने एक मिनट का टाइम लगाया उसके बाद ये देखें जी अब मैं खोल रही हूँ तो अभी ये कच्ची थी ये नहीं बनी थी तो फिर मैंने कहा है मेरी कज़न ने कहा है कि इसको ना दो तीन मिनट का टाइम लगा तो मैंने तीन मिनट का टाइम लगाया और जैसे तीन मिनट का टाइम लगाया है ना उसके बाद जैसे मैंने अवन का दरवाज़ा खोला सारी चाय जो थी ना नीचे अवन में गिर गई थी तो इतना ज़्यादा टाइम लगाने के लिए इसलिए चाय जो जाया थी ना सारी ज़ाया हो गई थी चाय भी नसीब में नहीं हुई बस फिर कुछ थोड़ी सी जो एंड पे बची थी वही मैंने पी थी तो इन मिलेंगे न्यू व्लाग के साथ अल्लाह हाफिज़ आज का ब्लाग यही था थोड़ा बहुत अलेक्शन